मध्य प्रदेश सरकार 3600 श्रद्धालुओं को उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में चल रहे कुंभ मेले में स्नान करने का अवसर देने जा रही है। इसके लिए राज्य के 4 स्थानों से अलग अलग विशेष ट्रेनें रवाना होंगी। यात्रा का सारा खर्चा राज्य सरकार वहन करेगी। आधिकारिक तौर पर दिए गए एक बयान में बताया गया कि राज्य से 3 विशेष ट्रेन रवाना होंगी, जिनमें सवार होकर 3600 श्रद्धालु प्रयागराज जाएंगे। तय कार्यक्रम के अनुसार 12 फरवरी से प्रयागराज कुंभ मेले के लिए मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना के अंतर्गत विशेष ट्रेनें रवाना होंगी। बयान के मुताबिक हबीबगंज रेलवे स्टेशन से 12 फरवरी को यात्रा की शुरुआत होगी। प्रत्येक ट्रेन में तीर्थयात्रियों की देखरेख के लिए 10-10 सुरक्षाकर्मी साथ रहेंगे। यात्रा 5 दिन की होगी। बयान में कहा गया कि हबीबगंज से जाने वाली ट्रेन में भोपाल, विदिशा, सागर और दमोह के 900 तीर्थयात्री शामिल होंगे। कुंभ मेले में जाने वाले यात्रियों के लिए भोजन, चाय, नाश्ता, रुकने की व्यवस्था और तीर्थ स्थल तक बसों से लाने और ले जाने के लिए गाइड की व्यवस्था रहेगी। कुंभ जाने वाले तीर्थयात्रियों से अपने व्यक्तिगत उपयोग की सामग्री अपने साथ रखने के लिए कहा गया है।